उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। बताया जा रहा है यहाँ बच्चों को शिक्षा देने वाले दो आरोपी शिक्षकों ने 8 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए, जहां बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए परिजनों ने मासूम बच्ची को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया और मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के साथ बलात्कार की घटना की पुष्टि होने पर पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर स्कूल संचालक और एक शिक्षक के खिलाफ 376 पॉस्को एक्ट में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, उसका एक प्रकरण सामने आया है। एक 8 साल की बच्ची है जो कि स्कूल का जो ओनर है और वहाँ पे टीचर भी है राजकुमार शर्मा, उसके द्वारा इस बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की जानकारी भी हुई है। उसमें जो बच्ची के पिता हैं उनकी तरफ से तैयारी लेकर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, और जो दोनों आरोपी हैं, एक आरोपी अन्य और है उसमें जिसको पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी, वो दुष्प्रेरण का दोषी इसमें उसमें प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया, उसको गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजा जा रहा है।